तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग या वेरी गुड आफ्टरनून। जब भी ये आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हमारी यहाँ तो रात के 2 बज रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्निफिकेंस का लेक्चर नंबर 4। तो इसमें 3 बातें डिस्कस होगी। पहली है मैग्निफिकेंस, दूसरी है पावर ऑफ लेंस, और तीसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो चैप्टर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले हमने लेंसेज पे 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके तीनों कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगानी है मैग्निफिकेशन। हमने तो लगा ली है भाई, आप भी लगा लो। हमारी तरह आप भी देर रात तक जागकर मोबाइल ना देखे पढ़ाई करें। मैग्निफिकेशन क्या होता है देखो जरा। मैग्निफिकेशन ये डिसाइड करती है इमेज इमेज। जब हमने इस आपको सबको पता है लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इमेज कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी ये डिसाइड करता है मैग्निफिकेशन, जो कि ऐसे कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं। तो देख लेते हैं हम। तो सपोज दैट ये हमारे एक पास एक ऐसी कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस के बीचों बीच सबको पता है क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ फोकस F1 और यहाँ फोकस F2। और सपोज दैट हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ उसकी कहीं पे इमेज बन रही है। सबको पता है इमेज इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्वर्टेड और रियल बनती है। रियल का मतलब लेंस के राइट साइड में बन रही है, इसका मतलब रियल, और उल्टी बन रही है इसका मतलब इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमको देखने को मिलती है। तो ये सपोज दैट हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उस ऑब्जेक्ट के हाइट को H1 बोल देते हैं और इमेज की जो हाइट है उसको H2 बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। और सब और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो है फी सॉरी वो है यू, और ऑप्टिकल सेंटर और इमेज तक का डिस्टेंस है वो है फी। दैट्स क्लियर। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने क्या क्या बात लिखी है। तो H1 जो है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तुम भी ऐसा नहीं कर रहा है। और U क्या है, U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फी क्या है, वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आलसी बच्चे के लक्षण है, ऐसे आप मत करना है। तो कुछ लोगों ने कमेंट में लिख भी दिया होगा कि तुम तो आलसी नहीं हो। अरे नहीं भैया। तो देखो आपको अब मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला, मैग्निफिकेंस को एम से डिनोटेट करते, तो मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू वो होता है H2 अपॉन H1। H2 का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला है, मैंने इसे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला है वो है हाइट ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, फी, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, यू। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ। वो फॉर्मूला है मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू फी अपॉन यू। तो ये फॉर्मूला आपको अगर आपके मन में आ रहा हो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें और बहुत ही अच्छे खासे स्टूडेंट बने, तब आपको ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही बोले तो बहुत ही। तो समझ में आया मैग्निफिकेंस क्या होता है। मैग्निफिकेंस एम से डिनोटेड करते हैं, ये बताता है कि हाइट की सॉरी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये डिसाइड करता है मैग्निफिकेंस।
एच वन हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच टू है हाइट ऑफ इमेज, दूसरा है यू जो है वो हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस है हम उसको फी से डिनोटेड करते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेंस का एच टू अपॉन एच वन जो कि है हमने आपको बता दिया है, और मैग्निफिकेंस का दूसरा फॉर्मूला है फी अपॉन यू, फी यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो जल्दी से इन ये सारी बातें नोट्स कर लो। अब हम देख लेते पावर ऑफ लेंस क्या फंडा है, कर लिया नोट्स इसे, एक दो तीन मिटा रहे हैं हम, कर लिया होगा नोट्स फास्ट में, पॉज करके नोट करना है और इस पे खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हम तो करके दिखाएंगे ही, वो तो बात अलग है। हेडिंग लगा दी जाए पावर ऑफ लेंस, हेडिंग लगाओ पावर ऑफ लेंस, समझा देंगे पावर ऑफ लेंस कॉन्सेप्ट क्या है भैया। तो सपोज दैट मैं आपके सामने दो दो लेंस बना देता हूँ, ये एक ऐसी लेंस बना दी थोड़ी छोटी और यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यह है ऑप्टिकल सेंटर O, यह फोकस F1, यह फोकस F2, और दूसरी मैंने एक लेंस बना दी ये वाली ऐसी, और इसी में एक ऑप्टिकल सेंटर O, यह फोकस F1 और यह फोकस F2। अब इन दोनों डायग्राम को देख के आपके क्या समझ में आ रहा है? अरे नहीं नहीं वो शादी वाली बात नहीं, इस किताब वाली बात कुछ समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर वाली लेंस दिखाई दे रही है वो है थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी, थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी, और नीचे वाली जो लेंस दिखाई दे रही है ये थोड़ी पतली है और मोटी है। फिर से एक बार, ऊपर वाली थोड़ी छोटी और मोटी है और नीचे वाली थोड़ी लंबी और पतली है, समझ में आ गया। अब आपको सबको पता है इन दोनों का जो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ करीब है और इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आइए समझते हैं। तो सपोज दैट ऐसे कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से बेंड होकर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दैट्स क्लियर, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। अब सबको पता है जितनी ज़्यादा लेंस बड़ी होगी उतनी ज़्यादा बेंडिंग ज़्यादा होगी, नहीं भी पता तो बात क्लियर कर लो, जितनी ज़्यादा लेंस मोटी है उतनी ज़्यादा बेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब यह क्या होगा, यह सपोज दैट ऐसे रे ऑफ लाइट आ गई, लेंस थोड़ी पतली है, यह बहुत ही कम बेंडिंग होगी और यह ऐसे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी रे ऑफ लाइट, सपोज दैट यह है F2। दैट्स क्लियर। अब समझना है आपको पावर ऑफ लेंस, ये है फोकल लेंथ F और ये है फोकल लेंथ इसकी F, समझ में आ गया, पावर ऑफ लेंस इसी को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पावर ऑफ जितनी कन्वर्ज हो रही है रे ऑफ लाइट, जितनी कन्वर्ज हो रही है उतनी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होती है। दैट्स क्लियर, पावर ऑफ लेंस जितनी बेंडिंग ज़्यादा उतनी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा। तो मैं यह इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, अगर इसकी जगह मैंने कॉनकेव लेंस यूज की तो वो लेंस क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो कन्वर्ज भी हो सकती है और डाइवर्ज भी हो सकती है। तो मैं यह इस पावर ऑफ लेंस की मैं जो कि पी से डिनोटेड करते हैं मैं उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। द कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कन्वर्ज हो सकती है और डाइवर्ज भी हो सकती है, कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ रे कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की कैपेसिटी या डाइवर्ज करने की कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया पावर ऑफ लेंस क्या क्या है।
उस लेंस की ऐसी कैपेसिटी जो कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज कर सकती है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। अब आपको यह और एक बात क्लियर हो गई होगी कि इसकी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा है, पावर ऑफ लेंस इसकी ज़्यादा है और इसकी पावर ऑफ लेंस कम है, पावर ऑफ लेंस कम है। और एक बात इसकी नोटिस की होगी आपने, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है। फोकल लेंथ का मतलब समझ रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। अब इसकी फोकल जहाँ पावर कम है वहाँ प्रिंसिपल यहाँ का फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम है। अब ये फेनोमिनॉन क्या बोलता है, एक कम है दूसरा ज़्यादा है, एक कम है दूसरा ज़्यादा है। इस फेनोमिनॉन को फिजिक्स में बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। समझ में आ गया, आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा कि इनवर्स फंक्शन का फंडा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स, किसको इनवर्स है, फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ P इजिकल टू 1/ फोकल लेंथ F, जो कि मीटर में मेजर होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका यूनिट भी है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इजिकल टू वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। समझ में आ गया, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर और पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। समझ में आ गया। और इसकी डेफिनेशन है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कन्वर्ज और डाइवर्ज, रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ए पावर ऑफ लेंस। ये है इसकी डेफिनेशन, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके बाद की जो कंसेप्ट होती वो होती है थी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब देखते हैं इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जल्दी से इसका नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम मिटा रहे हैं, मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे, जल्दी से नोट करना है इसको, पॉज करके नोट करना है। कर लिया, मिटा दे रहे। देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मिटा रहे रे, मिटा रहे तुमको नहीं। हेडिंग लगाए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को देख के आपके कुछ, इस वर्ड्स को सुन के कुछ समझ में आ रहा है और कुछ समझ में आ रहा है? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब है दो लेंस को मिलाना है, कंबाइन करना है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सपोज दैट हमारे पास ये ऐसी एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसको हमने दूसरी एक कॉन्वेक्स लेंस इसमें कंबाइन कर दी, इसका कॉम्बिनेशन कर दिया, ऐसे करना है, ये दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया। और इन दोनों लेंस के लिए एक ही प्रिंसिपल एक्सिस निकाल रहा हूं मैं, या देखो प्रिंसिपल एक्सिस, या दो को प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया। और यहां और इस वाले लेंस की फोकल लेंथ है F1 और इस वाले लेंस की फोकल लेंथ है F2। और इसका सपोज दैट पावर जो है, इस वाले लेंस के लिए मैं पावर P1 बोल देता हूँ और इस वाले लेंस के लिए पावर 2। अब पावर ऑफ लेंस तो आप क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट। अब हमको लिखना है इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आती है। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का मैं यह फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ FE। ये क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ, और F1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और F2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। अब हमको इसको इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखना है। तो मैं इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, वो होता है 1/FE इजिकल टू 1/F1 प्लस 1/F2। समझ में आ गया, इफेक्ट 1/FE यानी कि
फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव इजिकल टू 1/f1 + 1/f2। दो लेंस की आपको फोकल लेंथ दी दी जाएगी और बोलेंगे कि इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी, तब आपको ऐसे डिवाइडेड करके उनको ऐड करना है, ये फॉर्मूला वह यूज़ करना है। और एक बात आती है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या आ सकता है, पावर ऑफ लेंस इजिकल टू इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस, दोनों को कंबाइन करना है, इसकी पावर ऑफ लेंस को जोड़ देना है और इसकी पावर ऑफ लेंस को जोड़ देना है। अब आपको पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा कि पावर ऑफ लेंस इजिकल टू 1/f, वो होती है मीटर में, समझ में आ गया पावर ऑफ लेंस का ये होता है फॉर्मूला। तो हमने तीन बातें इस वीडियो में कवर कर दी है, पहली कौन सी थी, जो कि थी मैग्निफिकेशन, जो कि डिसाइड करता है था कि इमेज या ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और दूसरी बात सीख ली हमने पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ लेंस में उसकी डेफिनेशन देखी, उसका यूनिट्स देखा और उसका फार्मूला देखा। और लास्ट में जो बात बड़ी वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में उसका फार्मूला देखा, साथ में डायग्राम भी देखी। और आपके किताब में इसकी डायग्राम नहीं दे दी होगी, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट्स कर लेना, क्योंकि आपकी डायग्राम से और अच्छे से इस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 11th और 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ हम 10th का भी चैनल पर कवर कर देते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की इस वीडियो की यहाँ देते हैं फुल स्टॉप, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए फेयर यू ऑल द बेस्ट।